नमस्कार, आप देख रहे हकीकत न्यूज। मैं दुष्यंत कार उपाध्याय, जनपद आगरा के फतेहाबाद तहसील के फतेहाबाद शमशाद मार्ग पर झाल के पास पेट्रोल के पास में अचानक एक ऑटो जो लोडिंग टेम्पू कहते वो पलट गया, जिस टेम्पू में कम से कम 14 लोग सवार थे। वही बताया जा रहा है कि वे लोग बदेगढ़ी फतेहाबाद से चौथी करके शमशाबाद जा रहे थे। अचानक ड्राइवर का संतुलन खोलने से और टेम्पू पलट गया, उसमें चार महिलाएं घायल हो गईं। उन्हें फतेहाबाद पुलिस द्वारा घायलों को नजदीक हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है। देखते रहिए हकीकत न्यूज। ये जो बड़ा हादसा हुआ है, अभी चार लोग घायल हुए हैं। ये लोग कहीं से बेचारे क्रौती से आ रहे थे और पहले से ही ये लोग नीचे ही मजबूर थे, किसी क्रौती से आ रहे थे। तो यहाँ पर क्या नाम है, जो सलमपुर पर जो झाल बोलते हैं, यहाँ पर जो हादसा हुआ है, इस हादसा का मुख्य कारण मैं समझता हूँ, यहाँ पर जो रोडों पर जो पेड़ आ रहे हैं, जो डालें आ रही हैं, इन्हें बचाने के लिए टेम्पो वाले ने उधर घसाट लिए और वो लेफ्ट की तरफ चला गया है। और उधर एक खराब ट्रक पहले से खड़ा था, तो जगह ना मिलने के कारण बड़ा हादसा हुआ है। और मैं पीडब्ल्यूडी के विभाग विभाग से मांग करता हूँ कि कम से कम इतना तो देख लिया जाए कि रोड पर कौन सी डाल कैसे आ रही है, ट्रक कहाँ लग सकता है, कैसे इसे ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ पर जो डालें हैं इन्हें ख़त्म किया जाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, उनका कारण सिर्फ ये पेड़ हैं और इनकी पेड़ों की डालों की छटाई हो जा रही है। यही मेरी मांग। कैसे घटना हुई है ये? इतना का अभी एकदम कह रहे हम, हाँ फिर कहीं टम्पू वगैरह की गाड़ी ठाणी तीन चार का पप्पा ने गाड़ी तेज ऐसी गई, वो गाड़ी वाले जो मोड़ी का भी पलट गई। कह लोग घायल हुए हैं? चार गए। अब कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बदीगढ़ी त्याग लहरा जा रहे हैं।